हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अल्फा लर्निंग। तो टाइम हेडवे बेसिकली अगर मैं इसका डेफिनेशन डिफाइन करना चाहूँ तो देखो, इस तरीके से मैं कोई डिफाइन कर सकता हूँ। जैसे कि क्या है कि मेरा ये कि कोई रोड है, ठीक है, ये रोड है मेरा, ठीक है। इस तरीके से ये क्या है, रोड का कोई मेरा एक सेक्शन है ए, और ये सेक्शन ई हो गया मेरा ये, ठीक है। अब देखो, कोई व्हीकल जस्ट इसको क्या है, रोड को मेरा क्रॉस किया, ठीक है, और एक व्हीकल जस्ट इसके पीछे आ रहा है। तो जिस टाइम पे ये क्रॉस किया, सपोज दैट उस टाइम पे X1 मेरा टाइम, या फिर T1 लिख देते हैं, टाइम जो मेरा हो रहा था वो हो रहा था मेरा T1 टाइम मेरा हो रहा था। क्या टाइम हो रहा था? T1 टाइम मेरा हो रहा था, ठीक है। और जब ये देखो, और T1 टाइम कब हो रहा था, जब उस आगे वाले व्हीकल का क्या है, रियर बम्पर पास कर रहा था, ठीक है। रियर बम्पर मतलब पीछे की साइड वाला। और ऐसे ही जब इस व्हीकल का रियर बम्पर, इस व्हीकल का रियर बम्पर क्या है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, जब ये वाला इस व्हीकल का रियर रियर पोर्शन ए पॉइंट को क्रॉस करेगा, उस टाइम पे उन दोनों के बीच में जो टाइम होगा उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अपना टाइम हेडवे। सपोज दैट इसका जो रियर बम्पर है वो ए पॉइंट को T2 टाइम पे क्रॉस करता है, तो टाइम हेडवे की वैल्यू मेरी क्या हो जाएगी, T2 माइनस T1। या फिर एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ कि इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में इस व्हीकल को जितना टाइम लगेगा वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से मेरा क्या हो जाएगा, टाइम हेडवे। ठीक है, तो यही डेफिनेशन मेरा टाइम हेडवे का। इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द पैसेज ऑफ रियर बम्पर ऑफ सक्सेसिव व्हीकल्स एट अ पॉइंट, के जो आगे एक दूसरे के पीछे जो व्हीकल चल रहे हैं उनको एक दूसरे के किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे उनके रियर बम्पर्स को पास होने में कितना टाइम लग रहा है, वही मेरा क्या हो जाता है, टाइम हेडवे हो जाता है, ठीक है। अब देखो इसको कैलकुलेट किस तरीके से करेंगे, तो हो गया हमारा थियोरेटिकल। अब देखो, सपोज दैट 1 घंटे का मैंने टाइम फिक्स किया, 1 घंटे में मेरे यहाँ पे एन व्हीकल्स क्रॉस किए, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने क्रॉस किए, एन व्हीकल्स क्रॉस किए, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने क्रॉस किए, एन व्हीकल्स क्रॉस किए, ठीक है, एन कितने, 1 घंटे में, ठीक है। चलो 1 घंटा नहीं मानते, मैंने मान लिया कि टी टाइम में क्रॉस किए मेरे कितने, एन व्हीकल्स। तो यहाँ पर टी क्या होगा कि एक तरीके से पहला व्हीकल निकला तो उसका टाइम हेडवे हो जाएगा H1, सेकेंड व्हीकल निकला H2, H3, सारे के सारे हेडवे को जोड़ दूंगा तो मेरा क्या मिल जाएगा, टोटल टाइम मिल जाएगा। तो टी को मैं क्या लिख सकता हूँ, H1 प्लस H2 प्लस H3, एक तरीके से क्या हो जाएगा, टी प्लस सिग्मा HI, और I कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, I इक्वल टू 1 टू N, क्योंकि इतने टाइम में टोटल हेडवे जितना होगा उतना टोटल टाइम हो गया मेरा, उतने टाइम में कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉस कर रहे हैं N। तो एक तरीके से देखो, तुमको टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स पता है, टाइम पता है, तो तुम यहाँ से क्या डिफाइन कर सकते हो, अपना क्यू डिफाइन कर सकते हो, ट्रैफिक फ्लो। तो ट्रैफिक फ्लो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं ट्रैफिक फ्लो डिफाइन करना चाहूँ, क्योंकि क्यू क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स पर यूनिट टाइम, टाइम कितना है टी, देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, एन डिवाइड बाई सिग्मा एच आई, आई इक्वल टू 1 टू N, ठीक है। सारे के सारे समीशन का जो हेडवे का टाइम समीशन जो होगा वो क्या होगा, टोटल टाइम के बराबर होगा। अगर मैं एन को डिवाइड कर दूँ नीचे लगा के तो क्या हो जाएगा मेरा, 1 अपॉन सिग्मा HI अपॉन N, और क्या हो जाएगा ये, आई इक्वल टू 1 टू N। तो एक तरीके से क्या है, टोटल नंबर किसी पर्टिकुलर हेडवे को मैं किससे डिवाइड कर दे रहा हूँ, एन से, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल से डिवाइड कर दे रहा हूँ। तो एक तरीके से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अपना एवरेज टाइम हेडवे लिख सकता हूँ। तो क्यू इज इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एवरेज टाइम हेडवे, एवरेज टाइम हेडवे, ठीक है, एवरेज टाइम हेडवे। तो इस तरीके से हमारा एक रिलेशन दोनों के बीच में ड्राइव हो जाता है, ट्रैफिक फ्लो और एवरेज टाइम हेडवे के बीच में। ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि क्यू और एवरेज टाइम हेडवे के बीच में क्या रिलेशन होता है, तो क्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एवरेज टाइम हेडवे। अब देखो यूनिट की बात करूँ तो मैं, क्यू क्या होता है मेरा, व्हीकल्स पर आवर, तो ये जस्ट इसका रेसिप्रोकल है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, एक तरीके से नंबर आवर्स पर व्हीकल। तो एवरेज टाइम हेडवे की यूनिट हमारी क्या होती है, आवर्स पर व्हीकल होती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे क्यू और एवरेज टाइम हेडवे के बीच हम लोगों ने एक रिलेशनशिप ड्राइव कर लिया। इसी तरीके से हम लोग स्पेस हेडवे को डिफाइन कर देंगे। अब देखो, टाइम हेडवे था तो टाइम की बात कर रहे थे, सिग्मा टी किया था हम लोगों ने, सिग्मा एच आई किया था, तो वो किसके बराबर था, टी के बराबर था। इसी तरीके से जब मैं स्पेस हेडवे की बात करूंगा तो सारे के सारे जो व्हीकल्स हैं मेरे उनके रियर बम्पर का जो डिस्टेंस होगा वही मेरा क्या होगा, स्पेस हेडवे होगा। अभी क्या हो रहा था मेरा कि एक पर्टिकुलर मैंने पॉइंट फिक्स किया, उस पॉइंट को क्रॉस करने में एक दूसरे इस किसी पर्टिकुलर पॉइंट को क्रॉस करने में रियर बम्पर में कितना टाइम लग रहा था वो क्या हो गया था, टाइम हेडवे। अब एक पर्टिकुलर लेंथ ऑफ रोड सेलेक्ट करूंगा एंड उसमें जो व्हीकल्स खड़े हुए हैं उनके बीच में उनके रियर बम्पर में जो डिस्टेंस होगी वो मेरी क्या हो जाएगी, स्पेस हेडवे हो जाएगी। तो यही मेरा स्पेस हेडवे का डेफिनेशन होता है। डायग्राम के थ्रू देखोगे तो कुछ इस तरीके से देख सकते हो, जैसा मेरा ये रोड सेक्शन है, ठीक है,
ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो मेरा कोई एक पर्टिकुलर गाड़ी खड़ा है जस्ट आगे, ठीक है, इसका रियर बम्पर ये हो गया, ये दूसरा व्हीकल इधर खड़ा है, दूसरा व्हीकल इस तरीके से खड़ा है, इस तरीके से खड़ा है, इस तरीके से मेरा कंटिन्यू है एस एन लास्ट व्हीकल तक, ये मेरा कंटिन्यू है, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच की जो रियर बम्पर के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी मेरी, एस वन। इन दोनों के रियर बम्पर के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, एस टू। इस तरीके से दोनों के बीच की डिस्टेंस मेरी कितनी हो जाएगी, एस थ्री। और टोटल मेरा कितना हो जाएगा लास्ट तक आते आते एस एन ये हो जाएगा, ठीक है। और टोटल लेंथ ऑफ रोड सपोज दैट मैंने मान ली मेरी ये टोटल लेंथ ऑफ रोड है मेरी ये एल, ठीक है। तो एल को मैं क्या लिख सकता हूँ, एल इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ एस वन प्लस एस टू प्लस एस थ्री प्लस डेड एस एस एन लिख सकता हूँ। डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक तरीके से एल क्या हो जाएगा, सिग्मा एस आई, और आई कहाँ से वेरी कर रहा होगा, वन टू एन। अब देखो ये जो मेरा जो है डिस्टेंस, ये जो मेरा है एल, एल डिस्टेंस में मेरे कितने नंबर ऑफ व्हीकल्स खड़े हैं, एन नंबर ऑफ व्हीकल्स खड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ से डेंसिटी अपना डिफाइन कर सकता हूँ। तो डेंसिटी मेरा क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू नंबर ऑफ व्हीकल्स पर यूनिट लेंथ, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स कितने खड़े हैं एन, और डिस्टेंस कितना है, टोटल रोड का लेंथ कितना है एल, तो के इज इक्वल टू एन अपॉन एल। अब आगे इसको स्पेस एडवेंस किस तरीके से रेट करेंगे वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ, पहले इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। तो डिस्टेंस बिटवीन द रियर बम्पर ऑफ सक्सेसिव व्हीकल्स इज कॉल्ड द स्पेस हेडवे इन अ पर्टिकुलर लेन, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया स्पेस हेडवे का डेफिनेशन। अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, के इज इक्वल टू एन अपॉन एल, हाँ सॉरी ये भी एक पॉइंट है इसमें, लेंथ ऑफ ऑब्जर्वेशन इज द समेशन ऑफ स्पेस हेडवे, जो कि मैंने आपको यहाँ पे बता दिया एल इज इक्वल टू सिग्मा एस आई। तो के इज इक्वल टू एन अपॉन एल हो गया, के इज इक्वल टू एन अपॉन एल। अब इसी तरीके से जैसे हमने टाइम हेडवे में किया था, एल को मैं क्या ले सकता हूँ, सिग्मा एस आई, फिर मैं क्या करूंगा एन से डिवाइड कर दूंगा, वन अपॉन सिग्मा एस आई अपॉन एन। तो डेंसिटी क्या आ जाएगा, वन अपॉन एवरेज स्पेस हेडवे, जैसे वहां पे मेरा एवरेज टाइम हेडवे था, यहाँ पे मेरा क्या हो जाता है एवरेज स्पेस हेडवे। तो डेंसिटी और एवरेज स्पेस हेडवे के बीच में क्या एकदम जस्ट इनवर्सली रिलेशनशिप, मतलब एक दूसरे के क्या है वो रेसिप्रोकल है, ठीक है। अब देखो इसकी यूनिट क्या होती है हमारी, नंबर ऑफ व्हीकल्स पर यूनिट लेंथ, तो व्हीकल्स पर किलोमीटर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी मेरी, किलोमीटर पर व्हीकल। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर टाइम हेडवे और स्पेस हेडवे को अपना डिफाइन कर देते हैं। सिंपल से डेफिनेशन है लेकिन बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन इनसे रिलेटेड पूछे जाते हैं, और ट्रैफिक कैपेसिटी कैलकुलेट करने में दोनों की डेफिनेशन का यूज होगा। क्लियर हो गया होगा टाइम हेडवे स्पेस हेडवे।